हेलो व्हाट्सअप गाइज, मैं हूँ इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त आशीष। तो आज की वीडियो होने वाली है खास, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप फोन पे से ट्रांसफ़र पैसे करते हैं तो वो पैसे अगर किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है कोई गलती से, तो उस पैसे को कैसे हम रिकवरी कर सकते हैं, या तो मानो उस पैसे को कैसे हम वापस ला सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको फुल ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अब मैं ले चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, वहीं पर मैं आपको सब कुछ लाइव प्रूफ करके बताने वाला हूँ। सो लेट्स नाउ बिगिन स्टार्ट। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो चलिए मैं यहाँ पर सिंपली अपना फ़ोन पे ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ अपना फ़ोन पे। तो यहाँ पे लॉक लगा, लॉक करते हैं लॉक। फिर यहाँ से मैं आपको पहले मनी सेंड करके लाइव प्रूफ करके मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं एक अपने दोस्त को यहाँ पे कुछ पैसे यहाँ पे मैं सेंड कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे इनको 10 रुपये पैसे सेंड कर रहा हूँ, जो कि अभी सेंड हो जाएगा सिंपली से। तो ये पैसे मैं उनको सेंड कर दिया हूँ यहाँ से। तो आप देख सकते हो ये जो पेमेंट है यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। तो इस पैसों को मैं कैसे रिकवर कर सकता हूँ, तो यही मैं आपको प्रूफ करके बताने वाला हूँ। तो चलिए अब यहाँ से सिंपल हम चले जाते हैं बैक करके। फिर यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे हिस्ट्री का आपको बटन दिखाई दे रहा होगा ये कॉर्नर में। तो हिस्ट्री पर हम चले जाएंगे। फिर यहाँ पे जो हम पैसे ट्रांसफ़र किए हैं उस वाले हिस्ट्री पर टच कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पे दिखाई देगा जी जो ट्रांजेक्शन आईडी, इसे छोड़ के आपको नीचे दिखाई देगा कॉन्टैक्ट फोन पे सपोर्ट। तो इस वाले जो आइकन दिखाई दे रहा है यहाँ पे हम इसे सिंपली टच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं टच कर चुका हूँ। तो टच करने के बाद आपको दिखाई देगा कुछ यहाँ पे इंटरफेस आएगा। तो हम कुछ सेकंड वेट करेंगे, जो कि कुछ नेटवर्क के है तो कुछ सेकंड वेट करेंगे हम यहाँ पर। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि लिखा है अकाउंट नंबर डिड नॉट गेट द मनी, पेमेंट मेड रॉन्ग अकाउंट। तो यहाँ पे आपको सिंपल दिखाई देगा आपको दूसरे पे जाना है, नीचे जाने की जरूरत नहीं है, पेमेंट मेड टू रॉन्ग अकाउंट। तो यहाँ पे हम इस वाले सेकंड वाले ऑप्शन पर टच कर लेंगे। तो ये मैसेज वहाँ चलेगा, ओके लेट मी चेक इफ़ कैन आई हेल्प यू आशीष विश्वकर्मा। तो यहाँ पे आपको इस नंबर पे आपको देख रहा बाई यू टी आर दिस पेमेंट, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कैन माई बैंक रिवर्स दिस पेमेंट। तो यहाँ पे आपको देखा आई सेंड मनी टू करेंट नंबर। तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई देगा, आप चाहे तो इस पेमेंट को रिवर्स यानी फिर से वापस ला सकते हो, और दूसरा ये है कि आप दूसरे नंबर पर इस पैसे को सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इस जो पैसा है अमाउंट है इस पैसों को मैं दोबारा वापस करना चाहता हूँ, कि जो कि अगर मैं गलती से यहाँ पे कर चुका हूँ तो इसके लिए मैं फिर से वो SMS कर चुका हूँ। तो इस यहाँ पे कुछ मैसेज आ चुका है, आप इसे पोस्ट करके पढ़ सकते हो। ये जो रिक्वेस्ट है ये रिक्वेस्ट वहाँ पर जा चुका है, तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर आपको लिखा है यहाँ पर, तो आप व्यू टिकट करने के लिए बोला। तो यहाँ पर कॉर्नर आपको दिखाई देगा व्यू टिकट का ऑप्शन दिया, तो इस हम व्यू टिकट पर सिंपली चले जाएँगे और यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा जो टिकट है वो टिकट क्या है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे आपका टिकट इशू दिस मनी ट्रांसफ़र। तो आपका जो स्टेटस रिवोल्यूशन गिवन है, तो आपके लिए बता दूं कि ये जो टाइम है ये 24 घंटे के अंदर ये जो आपको ये प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी, यानी कि मैं जो ट्रांसफ़र किया हूँ ये पैसा मेरे 24 घंटे के अंदर मेरे अकाउंट में आ जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप से अगर गलती से भी फ़ोन पे में किसी से भी अगर पैसे ट्रांसफ़र हो जाए दूसरे के अकाउंट में, तो आप उसे कैसे वापस ला सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह से हमेशा वीडियो लाता रहता हूँ। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।